नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। कर्नाटक में कुछ महीनों पहले चुनाव हुए। कांग्रेस ने सत्तासीन पार्टी बीजेपी को इस चुनाव में कड़ी पटकनी दी और सत्ता पर काबिज हुई। लगा मानो सत्ता परिवर्तन से कर्नाटक में कुछ अलग देखने को मिलेगा। यकीनन अलग देखने को मिल भी रहा है, इतना अलग कि देश के इतिहास में शायद ही ऐसा पहली बार हुआ हो। ऐसा क्या हुआ है? दरअसल कर्नाटक में मुख्यमंत्री भी एक है और उप मुख्यमंत्री भी एक है, लेकिन कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले तीन और मुख्यमंत्री नियुक्त करने की मांग कर दी है। जी हाँ, राज्य एक और मुख्यमंत्री तीन। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वे इस बार आला कमान से बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि राज्य में तीन उप मुख्यमंत्रियों की मांग क्यों उठी। दरअसल के एन राजन्ना ने इस बारे में कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में अधिकतम सीटों पर जीतना चाहिए, हमें अपनी जीत पर भरोसा है। मंत्री ने कहा कि उप मुख्यमंत्री का एक पद अनुसूचित जाति या जनजाति, एक पद अल्पसंख्यक समुदाय और एक पद विषय समुदाय के नेता को दिया जाना चाहिए। बयान से साफ है कि जातीय समीकरण के चलते उन्होंने ये मांग की है। हो सकता है कि इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ भी छिपा हो। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि डीके शिवकुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बाद में ये अटकलें सिर्फ अटकलें ही रह गई क्योंकि सिद्धारमैया कर्नाटक के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब सीएम सिद्धारमैया ने इस बारे में कहा कि ये उनकी निजी राय है और पार्टी आलाकमान इस पर फैसला लेगा। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कोई भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी राय रख सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आलाकमान के सामने इस तरह का कोई प्रस्ताव आया है। अब इस बयान पर आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।